ये है सोनी का ब्रावया टीवी, और इसमें आपको कैसे इसको वाईफाई से कनेक्ट करना है इसका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मोबाइल का हॉटस्पॉट खोल लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि होम बटन प्रेस करना है। होम बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो चैनल से नीचे को स्क्रॉल करोगे, रिमोट के बटन से नीचे को स्क्रॉल करना है आपको। तो आप यहाँ पर सेटिंग में जाओगे, सेटिंग के बाद यहाँ पर आता है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर पिक्चर साउंड स्क्रीन यहाँ पर मिल जाता है। तो इसमें आपको सेटअप में जाना है। सेटअप में जैसे ही जाओगे यहाँ पर राइट साइड में आपको नेटवर्क मिल रहा है, तो नेटवर्क के अंदर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि नेटवर्क सेटअप, नेटवर्क को सेट करना है क्योंकि यहाँ पर एरिया में जितना हॉटस्पॉट है उसको चेक करेगा ये वाईफाई नेटवर्क्स को। तो सेटअप न्यू नेटवर्क कनेक्शन, हमें फिर नया वाईफाई से कनेक्ट करना है तो हमें सेटअप करना पड़ेगा नया। इसके लिए ईजी में जाएंगे, फिर इसके बारे में चेक कर रहा है जितने भी अवेलेबल नेटवर्क्स हैं। फिर उसके बाद दिखा रहा है जय महाकाल करके मेरा हॉटस्पॉट खुला है मोबाइल का, तो इससे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, पासवर्ड वगैरह एंटर कर लेता हूँ, और रिमोट में ये राइट साइड वाला इसको करके एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर एंटर हो गया, फिर इसके बाद ये रिमोट पे ये वाला बटन दबा के इसको आगे को फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पर लिखा रहा है क्योंकि फॉरवर्ड करने के लिए ये दबाइए, तो यहाँ पर चेक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है मतलब मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट नेटवर्क से। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, अब ये हमारे हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इसको नेटवर्क मिल गया, यूर टीवी सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट से हमारा टीवी कनेक्ट हो गया है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस डिवाइस ऑन टीवी फाउंड, लोकल एक्सेस और दोनों इंटरनेट एक्सेस इसको मिल चुका है। तो यहाँ पर ओके प्रेस कर लेंगे, ओके प्रेस यानी कि रिमोट के बीच वाले की इससे। फिर उसके बाद एक और स्टेप आता है कि हम हमारे टीवी में तो वाईफाई कनेक्शन मिल गया, अब इसको इंटरनेट रेडी भी तो बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसी नेटवर्क सेटअप के नीचे इतने ऑप्शन आएंगे, वाईफाई डायरेक्ट वाईफाई ये। फिर उसके बाद हमने जाना है रिफ्रेश इंटरनेट कंटेंट, यानी इंटरनेट कंटेंट को हमने सारा रिफ्रेश करना है इस टीवी के लिए। तो इसमें जाएंगे रिफ्रेश इंटरनेट कंटेंट, ओके प्रेस कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, टीवी में इंटरनेट वीडियो सर्विसेज को चेक कर रहा है, ऑथेंटिकेटिंग आ रहा है, रिफ्रेश हो रहा है इंटरनेट कंटेंट, जितना भी इंटरनेट वगैरह लेकर ये चेक कर रहा है एक बार। पर इंटरनेट कंटेंट तो रिफ्रेश हो चुका है, उसके बाद हम थोड़ा इसमें इंटरनेट एक्सेस करके देखेंगे। इंटरनेट कंटेंट रेडी हो चुका है, प्रेस होम बटन दबाने को लेकर है, होम बटन दबा दिया है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर वाईफाई का आइकॉन आ चुका है, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। और नेक्स्ट टाइम आपको ये कनेक्ट करने के लिए यहाँ पूरी प्रोसेस सेटिंग में जाना इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अगर आपने ये बार कनेक्ट कर लिया तो आप डायरेक्ट यहाँ से वाईफाई का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर जो अवेलेबल नेटवर्क होंगे उनको स्कैन करके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं बाय एंटरिंग योर पासवर्ड।